कौन से पेपर का एग्जाम देकर आ रहे हो आप? एमए मीडिया गवर्नेंस। मीडिया गवर्नेंस, हाँ। ये मीडिया गवर्नेंस क्या होता है, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? मीडिया गवर्नेंस अगर इसमें मास्टर्स करते हो आप, हाँ। तो आपको मीडिया एजेंसीज में मीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट डेवलपर, मिलाकर मीडिया फील्ड से है। हाँ, मीडिया फील्ड से। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम कितने नंबर का हुआ था आपका? 85 मार्क्स का। 85 एमसीक्यू था, फिर रिटन भी था। 45 एमसीक्यू के थे और 45 में दो क्वेश्चन थे जो रिटन थे। ओके, तो बता सकते कुछ किस किस तरह के क्वेश्चन आया था इसमें? क्वेश्चन आया था जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप मीडिया प्रोड्यूसर हो तो आपका बिहेवियर कैसे डिफरेंट है एक मीडिया व्यूअर से। तो अगर आप ओपिनियन बेस्ड था, फिर क्या था? ओपिनियन बेस्ड था, तो आपको ओपिनियन देना था। और इसी तरीके की दूसरा क्वेश्चन आया था कि ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे। एमसीक्यू में किस तरह क्वेश्चन था? एमसीक्यू में बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन थे कि मेटा ने, फेसबुक ने 2014 में किस ऐप को एक्वायर करा, इस टाइप के क्वेश्चन थे, बेसिक थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन था इसमें? हाँ, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का, हाँ। कुल मिलाकर जो डेढ़ घंटा टाइम मिला था, ये टाइम सफिशिएंट होता है? नहीं, ये टाइम सफिशिएंट नहीं था बिल्कुल भी। सबसे ये सब बहुत कम टाइम है, बिकॉज 90 मिनट्स में से 45 मिनट्स अगर आप एमसीक्यू के भी निकाल दो, तो बाकी 45 मिनट्स में आप दो क्वेश्चन 1500 से 2000 वर्ड के नहीं कर सकते, तो ये बहुत टफ हो जाता है। तो या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, और या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऐसे में। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नरगिस। नरगिस, कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? मीडिया गवर्नेंस का। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बढ़िया ही है, मीडिया है तो अच्छा ही लगा। बट अगर यहाँ की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बताऊँ तो बेस्ट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर नेक्स्ट टाइम कोई आता है जामिया, सोचते हुए मेरा पेपर है, तो बेफिक्र आए, यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और पेपर पे कमेंट करूँ तो अगर आप पढ़ के आते हैं सब कुछ एकदम अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। आप पढ़ के आए थे? नहीं, मैंने थोड़ा मिक्स सेशन पढ़ा था, मेरा भी लास्ट ईयर कॉलेज चल रहा है, तो अच्छा। मैं थोड़ी सी बिजी भी हूँ। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, क्या था? मेरे देखिए, अगर पढ़ के आते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा, ऑनेस्टली टेलिंग यू। और अगर नहीं भी पढ़ के आते हैं, मिक्स सेशन है, तो भी पेपर सही लगेगा, क्योंकि लास्ट मिनट में कहते हैं ना, थोड़ा अपना मेंटल यूज करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कोई अगर मीडिया फील्ड से आ रहा है, किसी का बैकग्राउंड यूजी में मीडिया रहा हो, उसके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी है, और कोई अदर फील्ड से आ रहा है उसके लिए टफ है, ऐसा तो नहीं है? मैं ऐसे कमेंट करना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन थोड़ा लगता है, क्योंकि देखो यूजुअली जो मीडिया से आता है उसे तो अधिकतर नॉलेज रहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट जो आउट ऑफ द मीडिया से आता है ऑब्वियसली उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। मैं खुद एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, अच्छा। तो बट स्टिल मैंने जैसे अभी अभी कहा ना कि मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी, तो मैंने अपना वही यूज़ करते हुए, ऐसा नहीं था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, मैंने मेंटल एबिलिटी यूज़ करते हुए आधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, और मैं उसमें श्योर हूँ कि वो ठीक आए हैं। ओके, जो रिटन वाला सेक्शन था उसका कोई क्वेश्चन बता सकती हैं आप, जो आप अटेम्प्ट करके आए? हाँ हाँ, रिटन क्वेश्चंस में पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस थे, उसमें कोई भी 2 करने थे, जिसमें से मैं बता रही हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा था लाइक मोबाइल फोन्स आजकल की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग से कंपेरेटिवली बोल रहा था कि जो हमारा टेलीविजन सेट है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा था कि मोबाइल फोन आजकल सिग्निफिकेंट है या टेलीविजन सेट सिग्निफिकेंट है। तो मेरे हिसाब से तो अब आजकल, हाँ जी हाँ जी, तो मेरे हिसाब से आजकल तो डिजिटलाइज जमाने में फोन्स ही सबसे ज्यादा बढ़िया है, और आज टीवी तो बंद ही हो रखा है एक तरीके से। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा था। दूसरा, मेरे ख्याल से जो मीडिया के बच्चे वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वाकिफ होंगे उनसे, लाइक था कुछ जैसे मीडिया गवर्नेंस का हमारा पेपर था, तो वो एक क्वेश्चन बना था कि मीडिया कंटेम्प्रेरी बाय मतलब लैटरल है या यूनिलैटरल, एक साइड चल रहा है या दो तरफा चल रहा है कंटेम्प्रेरी का, एक वो मैंने हालांकि अटेंड नहीं करा था। और एक और क्वेश्चन था जिसमें कह रहे थे कि व्यूअर्स, ऑडियंस और जो यूजर्स हम लोग हैं, हम लोग पे कैसा मतलब लाइक इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू जो प्रोड्यूसर्स मैनेजर्स हैं, जो मतलब वो लोग कैसा फीडबैक, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर पे इम्पैक्ट। राइट राइट राइट। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा आपका डेढ़ घंटे का एक्सपीरियंस अंदर का? काफ़ी अच्छा रहा। एमसीक्यूज हम जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो वही टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो बस थोड़ा टाइम और मिल जाता, थोड़ा और बेहतर कर पाते, तो वही ध्यान था। मतलब जो 90 मिनट्स मिले थे वो कम था? हाँ, मेरे हिसाब से कम था, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी भी करनी है साथ साथ में, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, तो वो भी ज़रूरी था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग इस बार क्या जो रिटन वाला सेक्शन था वो ज़्यादा टफ था या फिर एमसीक्यू वाला था? मेरे हिसाब से आई थिंक रिटन मैंने कर लिया था, एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिगरिंग था कि कुछ नहीं आते थे, कुछ आते थे। अच्छा, बस। तो एमसीक्यू क्या सिर्फ मीडिया सेक्शन से था, मीडिया इंडस्ट्री से क्वेश्चन था या फिर करंट अफेयर या फिर अदर क्वेश्चंस भी थे? नहीं, एमसीक्यू सिर्फ एक ही सेक्शन पे फोकस नहीं था, काफ़ी अलग अलग सेक्शंस पे फोकस करा गया था, गवर्नेंस, मीडिया,
आईसीटी मेनली अवार्ड्स पे था, बुक्स पे था, तो वैरायटी थी काफी। तो करंट अफेयर्स कोई क्वेश्चन था? करंट अफेयर्स भी थे, अवार्ड्स पे थे, बुक्स पे थे कि किसने कौन सी बुक लिखी। करंट कोई पॉलिसीज वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था कोई क्राइसिस के बारे में? पॉलिसी का तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थे करंट के भी क्वेश्चंस थे। रिटर्न पोर्शन में का क्वेश्चन बता सकते हैं क्या था? रिटर्न में सिर्फ हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मीडिया सेक्टर के बारे में काफ़ी फोकस करा गया था कि जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं, कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रैदर वॉचिंग टीवी, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मीडिया एंड गवर्नेंस का आपका अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बता सकते हो? 90 मिनट आपने अपने किस्मत के साथ खेल रहे थे। हाँ, बढ़िया था, थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लाइक डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी थी कि फर्स्ट टाइम, मतलब लाइक थियोरेटिकल पेपर दे रहे हैं और वो भी किसी कॉम्पिटिशन में। तो व्हाट अबाउट यू? मेरी भी मिक्स्ड फीलिंग्स थी क्योंकि टाइमिंग ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी कम लगी जितना मुझे लिखना था उस हिसाब से, बट अदरवाइज ओके। अच्छा, दो सेक्शन में पेपर था, एमसीक्यू था, रिटन था, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा वाला करके आया, रिटन वाला एमसीक्यू वाला? मुझे पर्सनली रिटन में, क्योंकि एमसीक्यू मेरे लिए मैं कहूँगी कि मुझे आते नहीं थे। आपके अकॉर्डिंग क्या था जो एमसीक्यूज का पैटर्न था लास्ट ईयर का देखें तो काफ़ी सेक्शन था रिसर्च मेथोडोलॉजी से, इस बार रिसर्च पे हार्डली कोई क्वेश्चन आया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे एज़ कम्पेयर टू 2021-2022 वाला पेपर का पैटर्न, तो एमसीक्यू टफ थे और रिटन सेक्शन में सब्जेक्टिव में काफ़ी कम टाइम रहता है लिखने के लिए। एक क्वेश्चन, हमें दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और ईच क्वेश्चन 1200 से 1500 वर्ड तक का था, तो वो काफ़ी कम टाइम है, एक घंटे में दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टाइम कम था। जी हाँ, आपको क्या लगा, लाइक जो एमसीक्यू वाला सेक्शन था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर टफ था, ईजी था? लाइक न्यूट्रल था, ना इजी था ना टफ था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? एक्चुअली 40 करा। 40? हाँ। नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था? था, बट क्योंकि पेपर ज़्यादातर, हाँ एक्चुअली, और मीडिया से रिलेटेड था तो जितना पढ़ा था आईआईएमसी के लिए भी दिया है तो यहाँ पे लाइक लग था। यूजी क्या था? यूजी में सब्जेक्ट था? यूजी पॉलिटिकल साइंस। आपका क्या था? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, क्योंकि अगर अभी और लोगों से बात कर रहा था उनके अकॉर्डिंग ये था जो अगर कोई मीडिया फील्ड से है तो उसके लिए ज़्यादा ईजी था, बिकॉज वो सारी चीज़ें 3 साल में जो है ना पढ़ पढ़ के आता है। आई अग्री टू दैट फैक्ट, लेकिन बहुत सारे मेरी बेसिकली मल्टी मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है एंड मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ एंड उस साइड वाले मीडिया से ज़्यादा फोकस्ड हूँ एंड यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फिलोसोफर्स वाले पार्ट आए थे तो वो मुझे नहीं आते थे। सो आपके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लाइक प्रिपरेशन के लिए जो आपके में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने पेपर का एक्सपीरियंस किया है, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए उनको या फिर किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए उनको? सबसे अच्छी टिप तो यही रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एंड इस बार का पेपर पैटर्न काफ़ी ओपन था तो काफ़ी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे, तो अपनी रीडिंग एरिया ब्रॉड रखें और सिर्फ स्पेसिफिक टू मीडिया ना रखें। Do you have any opinion? अगर राइटिंग के लिए देखा जाए ना तो एकदम पहले फिश बोन करना चाहिए, फिश बोन एनालिसिस और पेन टू लाइन टेक्निक करनी चाहिए, लाइक अगर लिखा है तो उसको पेन टू लाइन टेक्निक करने से इट विल हेल्प यू कि आप सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर पाएंगे कम टाइम में और लेंथी पेपर आपका हो जाएगा फिश बोन की टेक्नोलॉजी से। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों का सेलेक्शन हो, आप लोग जामे का पार्ट बने, जो भी ड्रीम है मीडिया फील्ड में फिर अदर में उसमें सक्सेस हो आप लोग। थैंक यू।